Assalamualaikum boys, welcome to another video. नई वीडियो में अगेन आप सबको खुशामदीद। तो नाजरीन, आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं कि फीमेल्स के लिए यूएई में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो जिस तरह हम लोग ये सीरीज स्टार्ट किए दुबई के रिलेटेड, मेरे साथ नासिर भाई मौजूद हैं और डिटेल में इस पे बात करेंगे। जी नासिर भाई, थोड़ा सा ऑडियंस के कमेंट्स आए हैं कि फीमेल्स के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है और कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टार्ट करें जी। तो जी अली भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी रेलेवेंट है कि जो फीमेल अगर यूएई के अंदर आना चाहते हैं, ना सिर्फ दुबई, पूरे यूएई की बात कर रहे हैं हम, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और उनको क्या आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो किस किस्म की उनको जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो भी फीमेल, वेदर वो पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से हैं, वो आ सकते हैं अगर उनके कोई वीजा रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है। जैसे बांग्लादेश के शायद कुछ वीजों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, अदरवाइज किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, वो नेपाल से हो, वो जॉब के लिए यूएई में आ सकते हैं। ओके, एक्चुअली जॉब, अगर हम जॉब फील्ड की बात करें तो जिस तरह मेल को जॉब्स मिलती हैं वैसे ही फीमेल की सारे फील्ड हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हेल्थ के सेक्टर के अंदर डॉक्टर, नर्सें और ये सारी जो अपॉर्चुनिटी है ये इधर है। उनके लिए थोड़ा सा ये इशू है कि उनको पहले एक सर्टिफिकेट जो होते हैं, जो हेल्थ के DHA जो होता है दुबई हेल्थ केयर या तो यूएई के जो हेल्थ केयर के जो सर्टिफिकेट है वो देने पड़ते हैं। आपके कोई टेस्ट है वो टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद वो ये जॉब कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल बाकी जॉब्स हैं, जैसे कि आप अगर बात करें फाइनेंस के अंदर, फाइनेंस के अंदर भी जिस किस्म की भी जो मेल करते हैं वही जॉब्स फीमेल को भी अवेलेबल है, वो भी कर सकती हैं। इसी तरह अगर HR की बात की जाए तो HR के अंदर भी जो मेल जॉब करते हैं वैसी ही जॉब जो है ना वो फीमेल कर सकती हैं। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो बाकी भी सारे जितने मार्केटिंग के अंदर, फिर डेटा एंट्री के अंदर, इस तरह फिर टीचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है फीमेल की। अगर आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं तो कोई भी लेडी जो लड़की है या फीमेल है वो अगर जॉब करना चाहती है तो वो उसको वो भी जॉब मिल सकती है। तो ये इशू नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान में फीमेल जॉब करती हैं ऐसी इधर भी उनको अपॉर्चुनिटी है। मौसम सिक्योरिटी के वाले से बताएं कि फीमेल्स यहाँ पे सिक्योर हैं, क्योंकि कई लोगों के जहन में यह आता है कि मुल्क से बाहर जा रही हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब तो नहीं थी, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ये बात जो है ना ये क्वेश्चनेबल है, लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में भी जाए तो लोग ये पूछते हैं कि यार अगर कोई फीमेल जो है वो अगर जॉब के लिए जाती है तो वहाँ कोई सिक्योरिटी का इशू तो नहीं है। तो आपको ये बताना चाहूंगा कि यूएई, पर्टिकुलरली दुबई जो है, ये जो सिक्योरिटी के रेलेवेंट जो टॉप 2-3 कंट्री हैं उनमें से एक है। तो टॉप 4 कंट्री हैं शायद, उनमें से ये 4th नंबर पे है या थर्ड नंबर पे है। तो यहाँ कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं कहीं भी, आप जो है ना ये आप बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि कोई बंदा आपको हरास कर सकता है या किसी भी किस्म का मिसबिहेव कर सकता है। तो बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी है, यहाँ कोई इशू नहीं किसी भी फीमेल के लिए। इससे ज्यादा आपको शायद प्रॉब्लम अपने होम कंट्री में तो हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जिस जॉब के लिए भी आए और उसका उसको आपको लिए ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई सिक्योरिटी का इशू होगा यहाँ पे। कोई आपको कोई हरास करे या कोई किसी भी मिसबिहेव करे ऐसा पॉसिबल नहीं है इधर। ओके, और ना सर भाई फीमेल्स की रेशो बता दें, जॉब्स में कितने परसेंट रेशो है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली जो अभी इस वक्त यूएई के अंदर फीमेल की और मेल की जो जॉब्स रेशियो है वो तकरीबन कह लें कि 69-70/30-31 ये रेशियो है। यानी कि अगर 69 और 31 है या 70 और 30 ये रेशियो है। और ये जो रेशियो है मेजॉरिटी जो है वो एक्सपैट ही है, क्योंकि यूएई के अंदर तकरीबन 89% जो है एक्सपैट रहते हैं। तो वो ये रेशियो उन्हीं की मेंटेन है। ये इसका मतलब ये है कि फीमेल भी काफी तादाद में है। यानी कि अगर 31% वो हैं तो इसका मतलब है कि तकरीबन अगर जो कोई 100 बंदा जॉब कर रहा है तो उसमें 31 जो है वो फीमेल है। जैसे कि आप देखते हैं कि कैशियर तकरीबन आप किसी भी मॉल में चले जाएं मोस्टली कैशियर जो है वो लेडीज हैं, फीमेल हैं। और इसके अलावा फिर डेटा एंट्री में बहुत ज्यादा फीमेल्स हैं।
बाकी बड़ी जॉब्स में मार्केटिंग में और भी बहुत सारी जॉब्स में हैं, लेकिन ये हमें जो आम नजर आने वाली जॉब्स हैं ये वो है, डेली रूटीन। बाकी तो होटलिंग है और बहुत सारे बिजनेस हैं जिसके अंदर फीमेल जो है वो काम कर रही हैं। इसके अलावा फिर टीचिंग तो है ही है, टीचिंग के अंदर बहुत सारी फीमेल्स काम कर रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जिनके हर हर आप सेक्टर में चले जाएं तो आपको फीमेल नजर आएंगे। बाकी एंड पे मैं आपको ये फीमेल के लिए भी बताना चाहता हूँ कि वो जो बजट हमने हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था तकरीबन 4,000 दिरम जो है ना वो 4,000 कर लें या 4,500 दिरम कर लें वो तकरीबन बजट ही है मेल के लिए भी फीमेल के लिए। वैसे ही बेड स्पेस मेल को मिलती है वैसे ही फीमेल को मिल जाती है, तो ये बजट का कोई इशू नहीं है। अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो उसको जरूर ट्राई करनी चाहिए और सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। और क्योंकि आप अगर चाहते हैं, अगर आपके अंदर जिसको हिंदी में कहते हैं कि उसकी विश है, उर्दू इंग्लिश में कहते हैं, या इच्छा है जो हिंदी में कहते हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अगर ये अपने आप को ये ट्राई करना चाहते हैं जरूर ट्राई करनी चाहिए, फीमेल के लिए कोई इशू नहीं है। फुल प्रूफ समझ लें सिक्योरिटी है, इधर कोई ऐसा इशू नहीं है जॉब के लिए। ठीक हो गया नासिर भाई, उम्मीद है हमने हर चीज कवर कर दी है। तो उम्मीद है नाजरीन के सारे जो भी हैं क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके जहन में फीमेल्स हैं तो किसी भी किस्म का अगर और कोई सवाल है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर मेल्स हैं हमारे भाई हैं तो उनके जहन में भी किसी किस्म का कोई सवाल है यूएई में जॉब सर्चिंग या और भी कोई भी किसी किस्म का, तो वो भी नीचे कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।